ईशा शर्मा मंगलमय चर्चा करने वाला इसकी अंतिम गाथाओं में अपनी चर्चा 142 गाथा पर चलती भावार्थ है कि जिस जीव को आत्मा की शुद्धात्मा महिमा आई है, शुद्धात्मा के निकट पहुंचकर उसका रसा स्वादन करने के पहले किन विचारों में पढ़ने को है। अच्छा प्रकरण है, संपूर्ण लोकालोक में एकमात्र अपना जो शुद्ध चैतन्य है वही सर्वोत्कृष्ट है। यहां भगवान शुद्ध की भी उत्कृष्टता नहीं है, क्योंकि वे भी कर दे गए और जो अन्य द्रव्य है उससे कुछ भी मिलने की आशा तो घोर अज्ञान है, निकट अज्ञान है, क्योंकि कुदरत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। कुदरत की व्यवस्था इतनी सुंदर है कि हर पदार्थ अपने में पूरा है, इसलिए उसे जड़ हो अथवा चेतन उसे अपने संपूर्ण जीवन में किसी दूसरे की ओर देखने तक का अवकाश नहीं है। इतनी सुंदर व्यवस्था लोक में ऐसी व्यवस्था देखी नहीं जाती, लेकिन कदाचित कहीं बन जाए, उसमें तो बनी नहीं है आज तक, कदाचित कहीं दैवयोग से बन जाए तो शायद स्वर्ग भी शर्मा जाएगा। इस व्यवस्था हर व्यक्ति सम्राट हो संपूर्ण हो, मैंने उसे अपने घर से बाहर निकलने का कोई अवसर दिया, इतनी संपूर्णता समृद्धियां उसके घर में बिखरी है। आत्मा ऐसा ही और जगत का हर पदार्थ अचेतन भी एक परमाणु भी ऐसा ही जिसमें सर्वज्ञ प्रतिपादित इस वस्तु व्यवस्था को जाना, उसने विश्व से संपूर्ण आशाएं और अपेक्षाएं समेट कर केवल एकमात्र अपने चैतन्य में ही अपने को केंद्रित कर लिया और यह निश्चय किया जो कुछ मिलने वाला है वह सब यही है, अर्थात मेरे पास ही। और एक बार इस मेरे शुद्ध चैतन्य का अनुभव हो जाने पर मेरी सर्व आशाओं अभिलाषाओं और अपेक्षाओं का अंत हो जाता है। इससे बड़ा तत्व कौन हो सकता है। भगवान सिद्ध के पास भी कई बार गए तो सही, उनसे अनुनय विनय की तो सही, लेकिन मिलने के नाम पर जीरो रहा। और वे क्या देते, क्योंकि उनसे हमने जब भी
जो कुछ मांग की तो वे ये बोले कि तुम्हारे पास जो है वो क्या काम आएगा, मुझसे क्यों मांगते हो और इसी कुदरत की व्यवस्था को क्यों शर्माते हो। यहां तो इस तरह का कोई अवकाश भिक्षा वृत्ति का नहीं। इन सारी समस्याओं का समाधान करके जीव जिनवाणी को सिर पर रखकर अपने तक आया और अपने उछलते चिंतन में उस शुद्ध चैतन्य का चिंतन करने लगा। यहां बात तो दो बताई है, दो पहलू बताए हैं आत्मा के। एक तो ये कि एक ओर से आत्मा को देखा जाता है तो वह बिल्कुल पवित्र शुद्ध और अन्य से रीता, अन्य मन इस चैतन्य का जैसा शाश्वत अविनश्वर स्वरूप है, एक रूप रहने वाला, उससे अन्य जो कुछ भी है, जो कुछ भी मैंने उसकी स्वयं अपनी शुद्धा शुद्ध पर्याय से लेकर ये सारा विश्व, ये सब अन्य और वह एक ही संपूर्ण। एक तो जब आत्मा को हम देखते हैं तो वह ऐसा मिलता है, दूसरी ओर से देखते हैं तो उसने अनादि काल से बहुत बड़ा गलीच खाना इकट्ठा किया, अत्यंत पवित्र शुद्ध और आनंदमय होने पर भी उसके संबंध में न मालूम कितने कितने निकृष्ट विचार विश्वास उसके चित्त में, इसके ज्ञान में, इसकी श्रद्धा में पैदा हुए, जगत के संबंध में और स्वयं अपनी आत्मा के संबंध में। अनंत धनी और अनंत निधानों का सम्राट होने पर भी अनादि काल से इसके मुंह से ही निकला मैं तो दुखी और अज्ञानी, कि जब इसका जो स्टॉक है वो पूरा का पूरा झोंका क्यों पड़ा रहा, स्टॉकिस्ट है पूरा, कि जो कभी रीता नहीं होता और जिसमें कभी कुछ इकट्ठा नहीं किया जाए, ऐसा ऐसा होने पर भी सदा से उसका परिचय नहीं रहा, ये भी एक वस्तु स्थिति तो रही, लेकिन उसके परिचय के अभाव में इसकी पर्याय में सारा का सारा गंदगी का ढेर इकट्ठा हुआ, जिसको मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चरित्र कहते हैं। और तभी यह कर्मों से बांधा गया। उचित है बात, इतना अपराध करोगे चैतन्य जैसा उत्कृष्ट तत्व ऐसी निम्न कोटि की हरकतें करे, अपने को नीच और नीचा माने तो प्रवृत्तियों में नीचता आएगी, वो कभी सुंदर नहीं हो सकती और वे सबकी सब अपराध नहीं होंगी। बहुत होने पर भी जैसे आदमी बेईमानी करे, बहुत हो तो वो प्रवृत्ति कैसी है, नीच है, मनुष्य उचित नहीं है। उसी प्रकार चैतन्य इतना उत्कृष्ट तत्व होने पर भी उसकी जो नीचता है, उनकी
हद दर्जे की रही, उसने भी अंतिम शिखर को छुआ। यहां वो बात बदल गई। यह ऐसा जीव है कि जिसने इस शुद्ध चैतन्य की उत्कृष्टता को, पवित्रता को जाना है और इसका ज्ञान और इसकी श्रद्धा यद्यपि अभी सही नहीं हुए है, सम्यक नहीं हुए है, ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं बना है अभी पूरा, श्रद्धा अभी सम्यक दर्शन नहीं बनी है, लेकिन इसकी पूर्व ही ज्ञान में एक ऐसा अवसर आता है कि जब कोई करुणावंत पुरुष मिलते हैं निर्मोही, और वे आत्मा का स्वरूप बताते हैं और ये कहते हैं कि सर्वोत्कृष्ट तत्व विश्व का तू ही, ऐसा ये बताते हैं तो इसको अपने तत्व की, अपनी वस्तु की गरिमा और गौरव आता है। तब यह उसी के चिंतन में व्यस्त होने लगता है। तो यहां उसका स्वरूप उस अज्ञान दशा में भी जान लिया गया। अभी साक्षात स्व संवेदन नहीं हुआ, साक्षात इसके नजदीक जाकर उसका रसास्वादन नहीं हुआ, लेकिन जिनवाणी और श्री गुरु ने उसके रस की जो महिमा है वो इसको बताई तो इसका ज्ञान उछलने लगा। वह कब वह क्षण आवे कि जब मैं उसका रसास्वादन कर लूं और अमर हो जाऊं। अमर तो हुई, लेकिन ये जो बार बार मर रहा हूं तो यह भी मन मेरी परिणति भी अमर हो जाए, ऐसा जब इसके चित्त में उसका महत्व आया तो ये उसके चिंतन में व्यस्त हो गया। स्वरूप आत्मा का पूरी तरह जान लिया गया। इस तरह अनेकांत भी इसके ज्ञान में उदित हो गया है, लेकिन सच्चा अनेकांत आत्मानुभूति में ही वास्तविक है। पर यदि यह दशा अज्ञान के समय न हो तो फिर जीव के सुधरने का कोई क्षण न। अज्ञान में अगर ये न हो, जैसे हम ये कहें कि हम तो ये बालक जब पूरा समझदार हो जाएगा तब स्कूल भेजेंगे तो पढ़ाएंगे, फिर क्या पढ़ाओगे। और जब वो जाता है, स्कूल भेजा जाता है, तो वो क्या समझता है? कुछ नहीं समझता। नहीं समझता है तो क्या वो नहीं समझेगा ऐसा मानकर हम भेजते हैं? और यदि वो नहीं समझता है तो क्या उसके पास समझने के लायक वर्तमान में कुछ नहीं है? यदि नहीं है तो क्या समझेगा, कहां से आएगा? इसकी समझ का ढेर होने पर भी उसकी समझ वर्तमान में अत्यंत मंद हो गई है यह जानकर। और हम ये मानते हैं कि वो जो भीतर से समझ का ढेर है वह एक दिन फूल की तरह खिल जाएगा और यह संपूर्ण हो जाएगा। इसी तरह आत्मा को जाना है कि आत्मा तो सत्ता की ओर से देखा जाए कि ये तो असंदिग्ध भाव से संशय रहित संपूर्ण ही है, पवित्र ही है, परम शुद्ध ही है, इसमें तो संदेह है ही नहीं। इसमें थोड़ा भी संदेह किया कि वो मरा, मैंने मरता आया तो वो इसी कारण से मरता है, इसने थोड़ा संदेह किया। कहने के नाम पर जिनवाणी में बहुत बातें मिलेंगी, उस द्रव्य को ही पूरी तरह
पर्याय की तरह अशुद्ध और मिथ्या दृष्टि अज्ञानी कहा जाएगा। कौन है मिथ्या दृष्टि? क्या आत्मा ही है? कौन सा आत्मा है? आत्मा भी कौन सा क्या होता? आत्मा ही है। द्रव्य को भी हमने उस पर पर्याय आरोपित करके और मिथ्या दृष्टि कहा। ऐसी भी नैकी अनेक विवक्षाएं हैं, लेकिन वे विश्वास करने लायक नहीं है। तुम द्रव्य तो वैसा के वैसे ही रहा, वो कहां हुआ? उसमें मिथ्यात्व का प्रवेश हुआ ही नहीं। अगर हम ये निश्चय नहीं करते कि पर्याय में महाज्ञान और मिथ्या दर्शन की दशा होने पर वह द्रव्य में भी प्रविष्ट हो जाती है, तो फिर हम चिंतन किसका करेंगे? मिथ्यात्व का अंत करने के लिए हम सहारा किसका लेंगे? आदर्श किसको बनाएंगे? इसलिए रंच भी प्रवेश नहीं होता। द्रव्य और पर्याय का स्वरूप चाहे हजारों लाखों अनंत नए इन दोनों पर लगा दिए जाए, लेकिन स्वरूप बदलने वाला ये तो अत्यंत निश्चित त्रैकालिक ध्रुव सत्य है। आत्मा को अत्यंत शुद्ध और सुरक्षित रखकर ज्ञान में और श्रद्धा में फिर आगे बढ़ो, और जितनी इच्छा हो उतने नयों का फेरफार और एप्लीकेशन करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वस्तु में अंतों के उधर ज्ञान इतना सुनिश्चित हो चुका है कि जो शुद्ध सत्ता है उसमें तो कभी किसी काल में किसी क्षेत्र में किसी द्रव्य क्षेत्र काल भाव में उत्सर्पणी अवसर्पणी में प्रलय के प्रवाह में नरक और निगोद में कभी भी अंतर पड़ने वाला नहीं। कितना उसको सुरक्षित गुप्त धन की तरह रखकर इन नयों के प्रयोग अपने क्षेत्र के अनुसार जितने करे करे, और न करे तो भी वे तो इस बात को जान लेने पर वह प्रयोग अपने ज्ञान में अपने आप होता जाएगा। उस नए को नाम नहीं मिलेगा, न मिले तो न मिले, क्या झगड़ा है? और जब तिरंज नाम का उसको नए में नाम का कुछ प्रयोग कर जानता है, लेकिन जानता है ये निश्चय नहीं हुआ अथवा ये व्यवहार हुआ और नए नहीं होता। उसकी क्या होता सारे नए संपूर्ण अनेकान उस मेंढक के ज्ञान में अवतरित हो जाता है। इसलिए ये भी ध्रुव सत्य है कि आत्मा परम शुद्ध त्रैकालिक और संपूर्ण रहा, तो उसके साथ यह भी सत्य है मैंने यह भी हुआ है, लेकिन हुआ है असत्य के रूप में। सत्य हुआ है इतना सत्य है कि आत्मा परम पवित्र होने पर भी उसे अपवित्र गलीच अज्ञानी दुखी मैंने जो जो वो नहीं है वो उसे माना गया, ये भी हुआ। तो हुआ है इतना हमें स्वीकार, लेकिन ये हुआ है वो सत्य है ये अस्वीकार। ये सत्य इसका होना सत्य है, फिर ये सत्य नहीं है। आत्मा मैं अज्ञानी हूं ये सत्य नहीं है, क्योंकि ये जो बोलने वाला है अज्ञान दशा में वो बोलता है अपनी सत्ता की ओर से, पर्याय की ओर से नहीं बोलता है। उसे बोलती पर्याय है कि मैं अज्ञानी हूं, लेकिन वो बोलता है द्रव्य की ओर से,
कि मेरी जो सत्ता है, मेरा जो द्रव्य है, अथवा मैं जो कुछ भी हूँ, पूरा का पूरा दुखी और अज्ञानी हूँ, ये झूठ है। नहीं, नए में कहा जा सकता है, पर नए में कहा जाने पर भी द्रव्य के संबंध में संशय पैदा नहीं होना चाहिए। कहा जाए भले, ये बोला ना उसने, ये जो बोला वो वास्तव में सत्य नहीं है। बोला मैंने जाना माना, ये बोला गया है, माना गया है, जाना गया है, इतना सत्य है। लेकिन जो माना गया है वो सत्य नहीं है। फर्क है ना बात में, हम तो पूरा का पूरा ऐसे ही मानते थे। किसी ने अगर पूरे के पूरे आत्मद्रव्य को अज्ञानी कहा, हमने अज्ञानी मान लिया, इसका नाम हुआ एकांत। अनेकांत का जो दूसरा वजनदार और सबसे सुंदर पहलू विद्यमान था, उसका हमने अपने ज्ञान में, ज्ञान की कल्पना में, अज्ञान में लोप कर दिया और वो सुरक्षित था, उसका कुछ बिगड़ा नहीं। उसका कहां बिगड़ा? इसलिए दो पहलू पैदा हो गए, एक द्रव्य और दूसरा बलि है। ज्यादा झंझट में नहीं पड़ना अधिक, क्योंकि इतनी है बुद्धि अपनी, जो बुद्धि को ज्यादा तकलीफ दे तो सम्यक दर्शन मिले नहीं। और बुद्धि को बिल्कुल प्रमादी कर दे तो सम्यक दर्शन, बिल्कुल मंद कर दे, होते हुए भी उसको तीक्ष्ण, उसकी तीक्ष्णता से शुद्ध चैतन्य की आराधना न करे तो भी शुद्ध चैतन्य का अनुभव नहीं होता। तो दो पहलू, जिसने उस वस्तु के स्वरूप को, आत्मा के स्वरूप को, यहाँ तो आत्मा के स्वरूप का आ गया है, जगत के संबंध में विचार करना नहीं रहा है शेष बिल्कुल। और उसमें भी जिस दूसरे पहलू की हमने चर्चा की, पर्याय के पहलू की, वो पर्याय का पहलू हुआ तो है, घटित तो हुआ है, वे पर्याय आत्मा में हुई तो है, आत्मा ने की है, इतना भी हम कह सकते। लेकिन वह सबका सब झूठ बोला गया, उसमें सच्चाई बिल्कुल नहीं। इसलिए उस पहलू को भी ये यहाँ आकर चुप कर देता है। तो नहीं, इससे इससे मैं इसका मैं क्या चिंतन करूं? मैंने बहुत झूठ बोला, इसका चिंतन कहाँ तक कर? इसकी अपेक्षा जो तो जो सत्य और सत्य स्वरूप द्रव्य पड़ा है परिपूर्ण, और जिसके आश्रित मेरा जीवन है, जिसके आश्रित मेरी जीवन रचना होने वाली है, उसको अपना चिंतन क्यों ना समर्पित करूं? इसलिए उसको भी, उसको आवाज नहीं का जो पहलू कहते हैं, उसको ये गौण कर देता है, अर्थात चुप कर देता है, अस्वीकार नहीं कर देता, अमान्य नहीं कर देता, वो नहीं है ऐसा नहीं कर देता। लेकिन शुद्ध द्रव्य के चिंतन में तो नहीं है ऐसा कर देता है। मैंने उसकी ओर झांकता तक ओझल कर देता। ओझल किसे कहते हैं? है तो सही लेकिन दिखाई नहीं देता। आसमान में हवाई जहाज देखा और थोड़े समय के बाद ओझल हो गया, तो ओझल हो गया तो हमारी आंख से हुआ या हवाई जहाज ओझल हुआ? इसी तरह ये पहलू आंखों से ओझल कर देने लायक है। दूसरा जितना भी है नर्क निगोदादि का और उसके कारणभूत भी मिथ्यात्वादिक, ये सब ओझल कर देने लायक है, क्योंकि ये सब मिथ्या दर्शन के अंश रहे। और अब यह परम सत्य पहलू पर, शुद्ध चैतन्य पर आकर
उसके चिंतन में तल्लीन हो जाता है। ज्ञान इसका बिल्कुल साफ है, ज्ञान में जरा भी फर्क नहीं है। आत्मा कितना है इसका ये निश्चय कर चुका है। उसमें जरा भी फर्क हो तो अनुभूति अनंत काल में नहीं होगी, उसमें थोड़ा भी जोड़े उस आत्मा में तो अनुभूति नहीं होगी, थोड़ा तोड़े तो अनुभूति नहीं हो। क्या तोड़े उसमें से? आत्मा में से मुझे राग तोड़ना है, तुमने आत्मा को भी जाना ही नहीं, तो उसमें राग था कहाँ? राग तो उसको उसके स्वरूप को नहीं पहचानने पर पैदा हुआ था, उसमें नहीं था। आत्मा राग से अत्यंत खाली और वीता है। जो मिथ्या दर्शन है उसके संबंध में विविध कल्पनाएं करता है, उन कल्पनाओं से भी आत्मा वीता खाली है। इतना परम पवित्र सत्व है और भविष्य से संबद्ध अनंत निधानों का एकमात्र समुदाय है। जिस चिंतन में ये तन्मय होता है उस चिंतन भी इसे प्रिय नहीं, तो आत्मसत्व की महिमा जान ली है, इसलिए ये तो सत्वर ही अविलंब ही वहां पहुंचकर उसका रसास्वादन करना चाहता है। मैंने चिंतन में जो ढील हो रही है वो ढील इसको पसंद नहीं है। इसका अर्थ यह है कि अपने द्वारा चलते हुए उस चिंतन को भी ये ही जानता है, वो चिंतन स्वयं ही जानता है अपने को, इतनी सामर्थ्य उसके अंदर। और किसी तरह याद रहेगा ये जानने लगे जो चिंतन चल रहा है कि मैं ऐसा हूँ, आनंद का और ज्ञान का ये जो चिंतन है, ये चिंतन ही स्वयं अपने आप को ये जानता हुआ चल रहा, और इसीलिए इसका अंत होकर अनुभूति का जो क्षण है आनंदमय वो उत्पन्न हो जाता है। इसका अर्थ है इसने पक्ष का अतिक्रमण कर, पक्ष था पक्ष पात नहीं था, पक्ष था मैंने शुद्धात्मा का चिंतन तो चल रहा था, लेकिन शुद्धात्मा के चिंतन में ये पढ़ नहीं गया था, उसके साथ एकाकार नहीं हो गया था, उससे दूर था, फिर भी चिंतन को इसने छाती से नहीं लगाया था। छाती से लगा ले तो वो चिंतन में ही चिंता में पढ़कर वापस गिर जाएगी। वो तो अज्ञानी है, ये तो ऐसा अज्ञानी है कि जो निकट भविष्य में ज्ञानी होकर अनुभव में उतरने वाला है, ऐसा खतरे हैं खतरे। बोर्ड में जैसे लिखा रहता है डेंजर, यहाँ भी डेंजर है। आत्मा शुद्ध है कहते हैं, ये कहना अपराध है, ये सोचना अपराध है, ये अच्छी बात नहीं है, तो फिर क्या करें? कोई रास्ता दूसरा बच्चा पढ़ा नहीं, महीने भर गया, अब माता पिता विचार करने लगे क्या करें? कोई रास्ता नहीं है, नहीं भेजना पड़ेगा, रास्ता और नहीं है कोई। क्योंकि ये चिंतन भी यदि सचमुच बाधक है, अपराध है, मैं इसकी जो प्रीति है वो अपराध है, और ये चिंतन जो चल रहा है यह कमजोरी है, दुर्बलता है। दूसरी व्यवस्था, ये चिंतन ही यदि न हो तो चिंत्य नहीं मिलेगा, चिंत्य मनुष्य आत्मा तो नहीं मिलेगा। इस ओर से देखा जाए तो इस चिंतन को साधक कहते हैं, इसका नाम व्यवहार न है,
और ये चिंतन जब तक है तब तक शुद्ध आत्मा नहीं मिलेगा, इसलिए ये बाधक है, इसका नाम निश्चय नहीं। दो बात दूसरी, दोनों में दसरी कौन है? भाग जाएगा तो नहीं मिलेगा, इसलिए चिंतन को छोड़कर भाग जाएगा तो मिलने वाला ही नहीं है, लेकिन इस चिंतन से चिपक जाएगा तो भी मिलने वाला। ये भूमिका है इस जीव की। दूसरी भूमिका, यदि चिंतन में ये व्यस्त हो गया और प्रीति बंद हो गया तो तत्व मिलने वाला नहीं है, वहां तो अज्ञान का ये कर्ता कर्म का उसका अंश है वो चल जल, इसको भी रात, इसको भी कर्ता कर्म का सूक्ष्म अंश चल रहा है जो आत्मानुभूति लेने वाला है और शुद्ध आत्मा के चिंतन में अपने स्वच्छ ज्ञान से आत्मा के स्वरूप का निर्णय करके चल रहा है, उसको भी यदि कर्ता कर्म का सूक्ष्म अज्ञान का अंश विद्यमान है, लेकिन उसका अंत होने वाला है, इसलिए वो कर्ता कर्म में प्रवर्तमान है, ये कहने में जिनवाणी को भी संकोच होगा। तो वो तो लेने वाला है, उसको क्या कहा जाए? लेकिन जो इसमें व्यस्त हो गया है तो उसको तो मिलने वाला। ये ही पद्धति है अपनी, हर काम की पद्धति यही विचार, क्या करते हो काम तो नहीं करते हो, यदि यही कहते हैं कि विचार कर रहे हो कि काम कब होगा, काम का समय तो निकट है और काम के समय में तुम अभी विचारों में प्रवर्तमान हो, विचारों में तन्मय हो, तो काम कब होगा? इस समय काम होगा, काम के पहले इस काम संबंधी विचार तो प्रवर्तित होते हैं, लेकिन उनका अंत करके हम कार्य में प्रवर्तित हो जाते हैं। ऐसी कैसी स्थिति? ये शुद्धात्मा का चिंतन कर रहा है, अज्ञान की सामर्थ्य इतनी नहीं बड़ी है, श्रद्धा की सामर्थ्य इतनी नहीं बड़ी है, लेकिन इस चिंतन के बल पर उसकी सामर्थ्य बढ़ती जाती है, श्रद्धा शिथिल होती जाती है और ज्ञान समर्थ आत्मा को पकड़ने और उसके वेदन करने के लायक होने लगता है, और अंत में जब पूरा घन हुआ ज्ञान, सरलता समाप्त होती है विचारों की, चिंतन की, और वो अनुभूति के घनत्व में स्वसंवेदन आत्मानुभूति उपयोग। साधन नहीं है बाधक, तो जब तक वो रहता है तब तक अनुभूति नहीं होती, बस यही है कि वो आता है अवश्य, इसलिए हम उसको साधन कहते हैं। उसके आए बिना अनुभूति नहीं होती, उसके गए बिना अनुभूति नहीं होती, दोनों बात, उसके आए बिना अनुभूति नहीं होती, उसके गए बिना अनुभूति, उसके समाप्त हुए बिना अनुभूति, कौन सा रहा बदनी? तो अपनाना नहीं होगा, इसे दूर रहना होगा, चिंतन को छाती से नहीं लगाना, बस करना पड़े, पड़ेगा में मजबूरी आ गई ना, पड़ेगा में व्यवस्था आ गई, ये चाहता है, इसका मन ऐसा है, ये जो चिंतनशील है वर्तमान में, इसका मन ऐसा है कि मैं इन विचारों को और इन
इस चिंतन को क्या करूं, इसकी तो सब्जी भी नहीं बनती, इसको क्या करूं, मुझे तो वो चाहिए। ये इतना उछलता हुआ कलेजा है, लेकिन ये आए बिना रहता नहीं तो मैं भी क्या करूं। गांव जब दूर है तो बीच का रास्ता तो आएगा ही आएगा, लेकिन उस रास्ते वह रास्ता मुझे पसंद नहीं, और पसंद भी भीतर से आता है कि मेरे गांव का रास्ता इतना आता है, लेकिन है बाधक, साधक है क्या, क्योंकि विलंब होता है। और मुझे तो एकदम अपने सदन में, अपने घर में, अपनी झोपड़ी में पहुंचकर विश्राम करना, विश्राम को बाधक मानना, में क्या आया बाधक है, इसलिए उसको छोड़ने योग्य है, तो वर्तमान में छोड़ नहीं पा रहा, छोड़ नहीं पाऊंगा वर्तमान में, छोड़ दूंगा तो गिर जाऊंगा। इससे अधिक ये जो चिंतन में प्रीतिवंत हो गया वो तो गिरेगा ही गिरेगा, पीछे वापिस आएगा ही आएगा, इसके लिए रास्ता नहीं है, पूर्व पक्षाधिग्रांत नहीं होगा। अब भावार्थ की कर्म से बंधा हुआ है तथा नहीं बंधा हुआ है, ये दोनों नए पक्ष बंधा हुआ इसलिए तू कर ली थी ना, स्वीकार करना, लेकिन श्रद्धे नहीं है, वो श्रद्धा का विषय नहीं है, ज्ञान का विषय तो है, पर ज्ञान में भी जो ज्ञान का मुख्य पहलू है निश्चय नए जिसे कहते हैं सच्चा, उसका भी विषय नहीं है, होता है वो, हुई है वो घटना, ज्ञान में जानने में आना चाहिए। दोनों नए पक्ष हैं, उनमें से किसी ने बंद पक्ष ग्रहण किया तो दो को लेकर कहा, लेकिन अंत में होता क्या है कि दो में से एक भी भाग जाता है, इसको क्या करूं, लेकिन ये झूठी कथा इसको कहां तक लंबा होगी, झूठी कथा लंबा ना, अब तक तो सारी झूठी कथा चली आत्मा के संबंध में, अब इस पर और विचार कर कि मैंने झूठ बोला तो झूठ बोला इसको छोड़कर सच बोलना शुरू कर दे, झूठ बोलेगा लंबाएगा तो अनंत काल बीत जाएगा, इसलिए व्यवहार नहीं का बंद पहलू चिंतनीय नहीं है। एक बार जान लिया बच्चे ठीक नहीं है, हाँ आलू खा लिया था मैंने, अब उसको क्या विचार करता है बाबू, किसी ने अबंध पक्ष लिया तो उसने भी विकल्प ही ग्रहण किया, अबंध पक्ष लिया अबंध पर विचार करने लगा, मेरे बंध नहीं है, मेरे कर्मों का बंध नहीं है, मैं तो पवित्र हूँ, मैं तो स्वतंत्र हूँ, मैं तो संपूर्ण हूँ, कितनी गिनती करेगा, आत्मा की गिनती करना है या आत्मा को, आत्मा घन है और इसके घनत्व का रसा स्वादन करना, क्या करना, और इसमें नौ चीजें हैं, पहले तो नौ चीजों की गिनती करते हैं, इतना बढ़िया है, चखता जरा नहीं क्या मिलने वाला है, देखो उसके पहले ये होने वाला तो है, हलवा है बड़ा स्वादिष्ट है, सुंदर है, मुझे शक्ति देगा, मुझे बल देगा, ये सब होने वाला तो है, लेकिन जो इसकी विचार में प्रवृत्त है वो स्वयं इससे थका हुआ भी है, ग्रास आना चाहिए ना, और इन बातों से, इस कथा से क्या है, कथा में थोड़ी कुछ मिलता है, और
और किसी ने दोनों पक्ष लिए, किसी ने दोनों, एक ओर से देखता हूँ तो बंधा हुआ लगता है, एक ओर से देखता हूँ तो निर्बंध लगता है, फिर क्या करना, क्या हुआ? दोनों ही विचार है, इसलिए ही पक्ष रूप विकल्प का ही ग्रहण किया। ये विकल्प शब्द आना विचार के अर्थ है, और इस विचार का फल राग होता है, इसलिए इसको विकल्प नहीं कहते। दो है यहाँ बात, विकल्प राग नहीं है, क्योंकि विचार राग से नहीं होता, राग में ज्ञान नहीं है इसलिए वो विचार नहीं कर सकता। विकल्प को स्वयं ये पता नहीं है कि मैं राग हूँ, मैं विकल्प हूँ, मैं क्रोध हूँ ये क्रोध को पता नहीं है, मैं मान हूँ ये मान को पता नहीं है, ज्ञान को पता है कि ये क्रोध है, इसलिए ज्ञानात्मक है ये सारी चीज। रागात्मक अगर किसी ने समझ लिया तो गई गाथा, फल उसका को होता है, फल इसलिए होता है कि क्योंकि आत्मा अनंत स्वरूप होने पर भी, अनंत गुणों का एक कण पुंज होने पर भी, हम जो उसे अपने ज्ञान में बिखेर कर और उसका चिंतन करते हैं, उसका विचार करते हैं, ऐसा उसका स्वरूप नहीं है, इसलिए विचार का फल राग होता। अगर आत्मा जैसा है, ज्ञान ठीक वैसा बनकर उसका रसास्वादन कर ले तो घन अनुभूति प्रकट होती, जैसा आत्मा है वैसी पर्याय प्रकट होती, और यह राग प्रकट होता है, इसलिए कहा उसको वो भी विकल्प है, तो राग कर रहे हो आत्मा रसास्वादन, आत्मा शुद्ध है ऐसा बोलते हुए, ऐसा चिंतन करते हुए तुम उसकी शुद्धता का अनुभव कर ही नहीं रहे, पर तुम तो केवल राग का आस्वादन कर रहे। परंतु ऐसे विकल्पों को छोड़कर जो कोई भी पक्ष को ग्रहण नहीं करता, यहाँ जो निश्चय है ना वो वास्तविक निश्चय नहीं, अनुभव करने वाला, लेकिन जिसमें ये विकल्प अवतरित हो रहे हैं उसका नाम भी, क्योंकि वो आत्मा के संबंध में है, निश्चय नहीं का विषयभूत जो आत्म तत्व है उसके संबंध में चलने वाले विचारों को भी निश्चय नहीं है, इसलिए निश्चय नहीं, वास्तविक निश्चय नहीं है, निर्विकल्प हो जाता है। उसे छोड़ने लायक कहा ना फिर, क्योंकि वो वास्तविक निश्चय नहीं है इसलिए वह छोड़ने लायक, विकल्प कहते हैं ना निश्चय को, विकल्प निश्चय। परंतु ऐसे विकल्पों को छोड़कर जो कोई भी पक्ष को ग्रहण नहीं करता, वही शुद्ध पदार्थ का स्वरूप जानकर समय सार को आत्मा को प्राप्त करता है, जो इनमें नहीं अटकता है वह शुद्ध समय सार को प्राप्त करता है। ये जो आई है ना अपने यहाँ प्रायोग के तत्व, ये दोनों स्थिति हो सकती है, एक तो जिसका ज्ञान स्वच्छ हो, लेकिन जिसका ज्ञान अस्वच्छ हो और वह विचारों में अटका, दोनों स्थिति हो सकती है। करण लब्धि में पदार्पण कर लिया तो उसका ज्ञान तो स्वच्छ हो गया और वह उन विचारों में अटका हुआ नहीं, शीघ्र ही उसका उल्लंघन करके अनुभूति की कक्षा में पहुंचेगा। करण लब्धि में क्या होता होगा हम सोचते हैं ना, करण लब्धि में ये एक पक्ष का विकल्प शुद्ध नहीं कहा है, विषय जो आत्मा है उस आत्मा का विचार को चलता है और चलता है बड़े प्रसन्न भाव से, ये भी उसमें शर्त है। अगर यूं ही चले मरे मुर्दे की तरह तो उधर जो है वो पर्याय का वजन इसको सता रहा, पर
अध्याय का जो कष्ट है वो इसको सता रहा हो, तो ये जो निश्चय है ये दब जाएगा, ये दब कर कहेगा शुद्ध हूँ शुद्ध हूँ सुखी हूँ, जो बोलेगा धीरे धीरे भीतर से, लेकिन उछल कर बोलता है और उस पर्याय को चैलेंज करता है, अच्छा नहीं बचेगा ठीक, कोई कीमत मेरे सामने नहीं है, अब तो महासागर नहीं है गाय का खुर है, सुन बात सुन, विकल्प पर्याय तो है ही सही, अभी पहुंचा नहीं है वहां, हम इसलिए है कि उसमें विकल्प नहीं है, विकल्प को कहते हैं तरलता चंचलता, बर्फ घन है पानी घन है, ये पानी से बर्फ बन रहा है मालूम है, अरे अभी बना नहीं है पूरा, बनने वाला है, बनने के पूर्व क्षणों में है, जहां पर काफी बर्फ जैसा बन चुका है फिर भी तरलता पूरा नहीं बना, बनते ही उसी क्षण अनुभूति उस रूप समय सार को आत्मा को प्राप्त करता है, नए पक्ष को ग्रहण करना राग, क्या कहा नए तो ज्ञान है, ज्ञान में प्रवर्तित होता है शुद्धात्मा के, लेकिन चूंकि इसका फल केवल राग होता है, राग का ही आस्वादन होता है, आत्मा का आस्वादन नहीं होता, इसलिए इसको राग कहा, इसलिए समस्त नए पक्ष को छोड़ने से बीत राग समय सार हुआ जा सकता है, पर्याय पर्याय बीत राग समय सार हो जाता है, आत्मा को बीत राग समय सार है ही नहीं, लेकिन निर्विकल्प होकर सारी तरलता को छोड़कर जो ज्ञान की पर्याय है और श्रद्धा की पर्याय है वो भी समय सार होती है, अर्थात मैं शुद्ध समय सार तत्व हूँ ऐसा अनुभव करती हूँ, और ये दोनों वितराग है श्रद्धा और ज्ञान, ज्ञान कषाय के एक अंश को भी अपने पास नहीं रखता, नहीं रखता मैंने वही पड़ी है ढेर के ढेर, लेकिन उसमें रंच आसक्ति और ममत्व ऐसा निर्मल हुआ है, पहले स्वच्छ था अब निर्मल हुआ, अनुभूति हुई तो ज्ञान निर्मल हुआ, तो पहले स्वच्छ हुआ मैंने आत्मा का स्वरूप यथार्थ जाना, उसमें अगर भूल हो तो कभी भी निर्मल, करो ना काम, करो ना काम, देखो।